जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा 12 पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सेट 6A5 नंबर करेंगे, जिसे पहले हम लोग 4 को सेट कर चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित होगा, जो 2018 के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग मैथ का टोटल सेक्शन करते जाएंगे सेट बाय सेट, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जितना लोग भी जुड़े हुए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आज आप लोग का स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए और बनाइए। पहला नंबर में कह रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपये में बिक्री करने पर, यानी कि एक वस्तु को 625 रुपये में बिक्री करने पर, करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान उसको 435 रुपये में बिक्री करने से होता है, तो बताएं कि वस्तु का कीमत क्या होगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, जब भी मेरे पास ऐसा प्रश्न आपको करेगा, जब भी सेट में ऐसा, चाहे किताब में या सेट में एग्जाम में क्वेश्चन में करे, तो सिंपल सा बात आप लोग समझ जाइएगा। सिंपल सा बात ये है कि अगर 625 रुपये में बेचते हैं तो जितना रुपया का लाभ होता है उतना ही रुपया का हानियों होता है, दूसरा वस्तु को दूसरा मूल्य पर बेचने पर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग मानेंगे कि लाभ या हानि का वैल्यू बराबर 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया का लाभ भी हुआ था, 100 रुपया का हानि भी हुआ था। तो सिंपल सा प्रश्न में 625 रुपया में बेचा जाता था तो लाभ होता है, यानी कि जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य में प्लस हुआ होगा। अगर लाभ नहीं भी होता 100 रुपया का, अगर लाभ हो रहा है तो हम इसमें से अगर 100 रुपया घटा भी देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इतना में खरीद के लाया गया था, ठीक है। अब फिर प्रश्न में कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को 435 रुपया में बिक्री किया जाए, 435 रुपये में बिक्री किया जाए तो 100 रुपया की हानि होती है। हानि का मतलब कि 100 रुपया एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाता है। तो ये वाला जाकर हम लोग को इधर जुटेगा और ये वाला आकर इधर घटेगा, तो हाई वाला जुटेगा तो हो जाएगा 2x, ठीक है। 2x का वैल्यू बराबर हाई वाला जब आकर घटेगा तो 0 का 0 9 3 12 और ये हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू बराबर हो जाएगा 95, यानी कि 95 का मतलब हो गया कि 95 रुपये का लाभ हुआ था और 95 रुपये का हानि भी हुआ था। तब हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए या तो x का वैल्यू इसमें जोड़ देंगे और नहीं तो x का वैल्यू इसमें से घटा देंगे। तो क्रय मूल्य का वैल्यू बराबर हो जाएगा 225 में से 95 हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 3 12 और ये हो जाएगा 530 रुपये, यानी कि इस वस्तु को 530 रुपये में खरीद के लेकर आया गया था। आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन अगला की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर दो आप लोग स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए और इस बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहे हैं कि 1250 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक, 1250 रुपया की राशि 15 वर्षों के लिए 1.6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है, तब ब्याज की राशि कितनी होगी, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो प्रश्न में हमको पी का वैल्यू बराबर दिया तो है 1250 रुपया, और जहाँ पर हम लोग का आर भी दिया है तो आर दिया है 1.6% और टी बराबर दिया है 15 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि SI बराबर जब परसेंटेज में निकालना होगा तो SI बराबर हो जाएगा R गुने T और ये परसेंटेज में, तो R का वैल्यू बराबर 1.6 और T का वैल्यू बराबर 5, ऊपर चल जाएगा ये 0.5 हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10, 8 2 16 बराबर में 24%, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि SI जो मिल रहा था प्रतिशत में 24% मिल रहा था, तो हम लोग निकालेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास तो दिया था कि 100% का वैल्यू बराबर 1250, तो 1% का वैल्यू बराबर 1250 पॉइंट, यानी कि ये 1% का वैल्यू बराबर रखेंगे तो 0.5 हट जाएगा, तो यानी कि 125.50, और तब कह रहा है कि 24% का वैल्यू क्या होगा, तो 24% का वैल्यू बराबर 112.5 और गुने में 24, ये हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और तो हो जाएगा 5 2 10 और हाई कटेगा तो हो जाएगा 5 2 10 और 25 5 125, हाई कट जाएगा 12 2 24, यानी कि हो जाएगा 25 × 12 बराबर 300 रुपया, यानी कि इस पर जो साधारण ब्याज मिल रहा है आपका 300 रुपया मिल रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीन आप लोग का स्क्रीन पर है। प्रश्न में कह रहा है कि 6 मीटर लंबा एक ब्रिज से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है, यानी कि एक 6 मीटर लंबा ब्रिज है, उसका परछाई जो बन रहा है 4 मीटर का परछाई बन रहा है। उसी समय पर एक फ्लैग पोल का छाया 50 मीटर लंबी पड़ती है, तो फ्लैग पोल की लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर यानी कि समानुपात में हम लोग सोचेंगे कि अगर इधर व्यक्ति की लंबाई अनुपात परछाई है, तो इधर भी हम लोग का जिसका व्यक्ति का या वस्तु का लंबाई अनुपात परछाई होगा। तो अब देखा जाए ना, यहाँ पर 6 मीटर लंबा तो एक पेड़ था, उसका परछाई 4 मीटर बन रहा है। एक बात को याद रखिएगा, लंबाई यहाँ लिखा गया है तो परछाई यहाँ लिखा गया है, तो अगला का भी लंबाई यहीं लिखेंगे तो परछाई यहाँ रखेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है तो फ्लैग की लंबाई यानी कि लंबाई का एक्स वाला लंबाई इधर लंबाई माने हैं, तो इसका भी पहले लंबाई मानेंगे, और तब इसका जो परछाई पड़ रहा है 50 मीटर का पड़ रहा है। तब हम लोग समानुपात में होता है कि इसका गुना और इसका गुना, यानी कि 4x का वैल्यू बराबर 6 × 50, इसलिए x का वैल्यू बराबर 6 × 50 बटा में 4। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 25 बार में, यानी कि उसी समय पर 75 मीटर लंबा फ्लैग का परछाई 50 मीटर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। जो जो लोग भी देखे हैं अपना ऑप्शन को मैच कराइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर चार आप लोग के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि ए बी और सी ने क्रमशः 26,000 रुपया, 34,000 रुपया और 10,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 3,500 रुपया का लाभ होता है, तो उसमें से बी का लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास 3 गो व्यक्ति है, ए है, बी है और सी। तीनों ने पैसा लगाया, ई लगाया है 26,000 रुपया, दूसरका व्यक्ति लगाया है 34,000 रुपया और तीसरका व्यक्ति लगाया है 10,000 रुपया। तीनों ने अपना अपना पूंजी लगा कर, और ये कंडीशन में है कि तीनों ने एक साथ व्यापार में शामिल भी होते हैं और एक साथ व्यापार से बाहर भी होते हैं। जब तीनों व्यक्ति एक साथ व्यापार में शामिल हो और तीनों व्यक्ति एक साथ व्यापार से बाहर निकले, तो समय लिखे चाहे ना लिखे सबका बराबर होगा, यानी कि 3 जीरो से यहाँ भी 3 गो 0, यहाँ भी 3 गो 0 और यहाँ भी 3 गो 0। फिर 2 के पहला से कटाएंगे तो ई कटेगा 13 × 26, ये कटेगा 17 × 34, ये कटेगा 5 × 10, यानी कि इस हिसाब से जब ए को एक साल के बाद 13 रुपये का लाभ होता है, बी को एक साल के बाद 17 रुपये का लाभ होता है और सी को एक साल के बाद 5 रुपये का लाभ होता है। अगर तीनों का देखा गया तो तीनों को मिलाकर 35 रुपये का रेशियो में लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यही 35 का वैल्यू बराबर अंक में कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो अंक में 3,500 रुपया का लाभ हो रहा है। तो एक का वैल्यू बराबर 100। तो अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए कि उस लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी को कितना रुपया लाभ के रूप में मिल रहा है, तो बी को रेशियो में 17 रुपया मिल रहा है, यानी कि 17 × 100 बराबर बी को 1,700 रुपया का लाभ होता है एक साल में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, बी जब इस व्यापार में शामिल हुआ था तो एक साल के बाद उसका बंटवारा होगा तो 1,700 रुपये का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर पाँच आप लोग के स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए और बनाइए। कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यानी कि वेग से गति कर रही है, तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो सिंपल सी बातें, हमको इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले चाल दिया है 60 मीटर प्रति सेकेंड, और चाल के बाद दूरी दिया है, दूरी जो दिया है 480 मीटर दिया है।
ठीक है। तब प्रश्न में हमको कह रहा है कि कितना समय लगेगा, यही दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, यानी कि 480 बटा में 7 है कट जाएगा तो कटेगा 648, यानी कि इसको पार करने में, इस दूरी को तय करने में 8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए और बी ने एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो वे एक साथ करना शुरू करें तो बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। वो दोनों एक साथ, यानी कि वो एक साथ कार्य को शुरू करते हैं तो बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो प्रश्न के हिसाब से पहले ए तथा बी आता है किसी काम को करने के लिए, तो ये लोग 15 दिन में करके चला जाता है, ठीक है। इसी काम को करने के लिए ए अकेले आता है तो इसी काम को ये 25 दिन में करता है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15, तब हो जाएगा 50 25, ये कट जाएगा 5 15, यानी कि हमको कुल काम जब एक तरफ का होगा तो कुल काम था 75, यानी कि 75 काम करने के लिए ये लोग आ रहा था, ए तथा बी मिलकर तो 15 दिन का समय लेता था और ए अकेले आता था तो 25 दिन का समय लेता था। अब कह रहा है कि इसी काम को करने के लिए बी अकेले आएगा, तो अब यहाँ से हम लोग क्षमता निकालेंगे कि जब दोनों मिलकर करता था तो एक दिन में 5 को करता था, ए अकेले करता था एक दिन में 3 को करता था, तो बी करेगा तो 2 को करेगा, क्योंकि हाँ दोनों मिलता है तो 5 है, जबकि अकेले ही 3 को, तो बी 2 को करता होगा, तो ये कटा देंगे 2 से, यानी कि हो जाएगा 37.12 दिन में, यानी कि बी जब अकेले काम करने के लिए आएगा तो इसी काम को 37.12 दिन में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा इसको, इसके बाद अगला नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7, जो जो लोग भी जुड़े हुए हैं अपना अपना जल्द से जल्द आंसर को बनाइएगा और आंसर को भेजिएगा, जितना लोग भी जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से एक से बढ़कर एक हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेकर आएंगे जो हम लोग का एग्जाम से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 6। क्वेश्चन नंबर छठा में कह रहा है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपया है, एक मशीन है जिसका वर्तमान मूल्य 25,000 रुपया है, यदि प्रतिवर्ष मशीन का अवमूल्यन दर 10% हो तो एक वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो प्रश्न में यानी कि 25,000 रुपया आज इसका मूल्य है, हर एक साल इसके मूल्य में 10% का कमी होता है, तो 90/100 हो जाएगा, यानी कि इसको इसे कटा देंगे तो बचा मेरे पास 2500 और गुने में 9 बराबर, इसको गुना करा देंगे तो हो जाएगा 22,500 रुपया, यानी कि 22,500 रुपया आपका ऑप्शन नंबर में हो जाएगा बी, यानी कि जो जो लोग भी बनाए होंगे अपना अपने आंसर को मैच कराइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 था आप लोगों का, ठीक है। आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग 6 को कर चुके थे, ये 7वां नंबर है। अब आप लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर आठ आप लोग के स्क्रीन पर है, जो जो लोग भी जुड़े हुए हैं पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा बात है, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी लंबाई का दूरी तय करती है, तो इसके हिसाब से जो ये रेलगाड़ी दूरी तय करेगी तो अपना लंबाई, इसका लंबाई 150 और जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600, तो अपना लंबाई के साथ साथ इसका भी लंबाई का दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी तय करेगा 750 मीटर। और फिर प्रश्न में दिया है इसका चाल दिया है, चाल जो दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है।
अगर ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 250 बटा में 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब ये भी मीटर प्रति सेकंड, तो हमसे समय का बातें कर रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी 750, चाल है 250, 18 बटा में है तो 18 ऊपर चल जाएगा, ये कट जाएगा तीन बार में, तो हो जाएगा 18 तो ये 54 सेकंड हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 54 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2490 है, दो संख्या है, दोनों संख्या में क्या मान है हमको नहीं दिया है, लेकिन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का 6.5% जबकि दूसरी संख्या का 8.5% आपस में बराबर है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दिया है कि ए तथा बी दोनों का योगफल का बराबर 2490 रुपया है, यानी कि 2490 है, जबकि ए का 6.5% प्रतिशत को हम 100 से करके भिन्न में बदल देंगे, और जबकि दूसरा संख्या, यानी कि हम लोग मानेंगे कि पहला संख्या बराबर ए है और दूसरा संख्या बराबर बी है, तब बी का 8.5/100, ये 100 से 100 कटेगा, ये दशमलव से दशमलव कटेगा, ये कटेगा 17.585, ये कटेगा 13.565, यानी कि ए बटा बी का वैल्यू बराबर 17/13, और नहीं तो ए रेशियो बी का वैल्यू बराबर 17:13। तो प्रश्न में अब हमको पता चल गया कि ए का वैल्यू बराबर 17 और बी का वैल्यू बराबर 13, यही दोनों का योगफल का वैल्यू बराबर रेशियो में 30 है, और यही 30 का वैल्यू बराबर 2490 हमसे बोल रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि ए तथा बी दो संख्या है, दोनों संख्याओं का योगफल 2490 है, तो एक का वैल्यू बराबर, तो एक का वैल्यू बराबर हो जाएगा 83, और तब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं में हमारे पास एक का वैल्यू दिया है 17 बराबर हो जाएगा 1411, और फिर दिया है बी, और जबकि बी का वैल्यू बराबर दिया है 13 × 83 बराबर 1079, यानी कि एक हो जाएगा संख्या 1411 और एक संख्या हो जाएगा 1089, आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, चलो चलेगा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसका भी लंबाई का दूरी तय करती है, तो हमको प्लेटफॉर्म का लंबाई पता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर एक्स मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में ट्रेन की लंबाई मिलकर एक्स प्लस 156.5 मीटर हो जाएगा, यानी कि दोनों का लंबाई का योगफल बराबर इतना हो जाएगा, जबकि मेरे पास चाल दिया हुआ है, प्रश्न में चाल दिया है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब इसका लंबाई जो मीटर में दिया है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 5/18 का वैल्यू बराबर हो जाएगा 285/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और तब इसमें समय भी दिया है तथा इन लोग को पार करने में समय भी दिया है 39 सेकंड में पार कर जाती है, तब हमको क्या करना होगा, कोई किसी के सूत्र पर, यानी कि दूरी का ही सूत्र पर तोड़ेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, तो दूरी मेरे पास दिया हुआ है x प्लस 156.5 और चाल दिया है 285/18
गुने समय दिया 39, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये हो जाएगा 36 18, तब हो जाएगा एक्स प्लस 156.5 का वैल्यू बराबर ये हो जाएगा 3705 बटा में 6, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 156.5 बराबर इसका हो जाएगा 617.5। तब हम लोग क्या करेंगे, ये x को इधर ही छोड़ देंगे, इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, तो x का वैल्यू बराबर 617.5 माइनस 156.5, तब हो जाएगा इसका वैल्यू, x का वैल्यू बराबर 161 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई का वैल्यू बराबर 461 मीटर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। जो जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं अपना अपना क्वेश्चन को देखिएगा, और आज की सेक्शन में हम लोग इतना ही तक रहने दिया जाए। अगला वीडियो हम लोग इसी टाइम पर और इसी चैनल पर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।